आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गेहूं उत्पादक राज्यों में हो रही गेहूं खरीद के बीच अच्छी खबर ये है कि देश के सरकारी गोदाम में 189.9 लाख टन स्टॉक है। ये बफर स्टॉक के स्तर से 2.5 गुना ज्यादा है। यही नहीं, इस बार 1 से 20 अप्रैल के बीच ही 101 लाख टन गेहूं खरीद जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 32 से 35 लाख टन गेहूं निर्यात की बुकिंग हुई है। 2021-22 के पूरे वर्ष में करीब 78.5 लाख टन का निर्यात हुआ था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में गेहूं निर्यात 100 से 125 लाख टन को पार कर सकता है। इस बार गेहूं खरीदार देशों में नया नाम मिश्र का जुड़ा है। भारत अभी भी 59 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। वहीं एफसीआई की रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल पूल में 1 अप्रैल 2022 को 189.90 लाख टन गेहूं स्टॉक है। यह तय मानक से 70.6 से ज्यादा लाख टन से ये 2.5 गुना है। वहीं हालांकि चिंता ये है कि 1 अप्रैल 2022 के मुकाबले 83 लाख टन से ये कम है। वहीं केंद्र की गरीबों को मुफ्त राशन योजना में 187 लाख टन गेहूं गोदाम से निकला है। वहीं 2020-21 के 20.80 लाख टन के मुकाबले 2021-22 में 78.5 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।